बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप कैसे हैं? अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जो मेरे चैनल पे नया आया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर भी करे। और बहुत खुशी होती है जब आप बताते हैं कि मेरी रेसिपी कैसी है, और अल्लाह ताला आपको दोनों जहाँ की खुशियों से मालामाल करे और हसदीन के हसद से बचाए और नज़र बस से बचाए, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी तरक्कियाँ दें और मुझे भी। और वीवर्स, आज मैं बड़ी आसान सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में आई हूँ, सैमा किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे सब्ज़ी। ये घिया तोड़ी, इसको मैंने छील के काट के और इनके मैं छोटे इनको मैंने साइज़ में इसकी कटिंग कर ली है। और ये प्याज है, इसमें प्याज ज़्यादा डलता है, इसको मैंने ग्राइंडर कर लिया है जग में डाल के। और धनिया और ये मिर्च ये लास्ट पर डालेंगे। टमाटर को भी मैंने ग्राइंडर कर लिया, और ये सब्ज़ मिर्च और इसमें लहसुन डाल के इसको भी ग्राइंडर कर लिया। और ये है मसाला जार जो घर के, नमक एक चम्मच, छोटा चम्मच लीजिएगा क्योंकि इस सब्ज़ी जब ये बनती है तो इस ये खुश्क हो जाती है, तो इसमें नमक कम ही डालें, बाद में आप डाल सकते हैं हसबे जायका। हल्दी आधी चाय की चमची, और ये पीसी हुई मिर्च होती है, इसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं, इसका एक चम्मच लिया। ये बड़ी अच्छी लगती है सब्ज़ी में। और रेड मिर्ची लिया मैंने आधा चम्मच, और सूखा धनिया भी एक चम्मच, और ये ज़ीरा, दालचीनी और बड़ी इलायची। और इससे हम इनको तैयार करेंगे। और ये बड़ी गर्मियों की बड़ी मज़ेदार सब्ज़ी है, और ये रोटी के साथ बड़ी मज़ा आता है इसको खाने का और बड़ा लुफ्त आता है। चलिए अब इसको हम तैयार करते हैं। घी हमने डाल दिया कढ़ाई में, ये मैंने बड़े दो चम्मच, जिसको डोई भी कहते हैं, चम्मच भी होता है सालन वाला, वो भर के मैंने दो डाल दिए हैं। और जब आप सब चीज़ें कटिंग कर लेते हैं तो बड़ी आसान हो जाती है हांडी पकानी। और ये देखें वीवर, सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया इसके अंदर। वीवर, ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, और इसमें प्याज ज़्यादा डलता है और इसी से इसका टेस्ट आता है और बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। प्याज को हमने भून लिया है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, पाँच ली थी, अब इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। दो अदरक टमाटर थे जिनकी पेस्ट तैयार की मैंने, ये भी इसमें शामिल कर दी। वीवर्स, अब इसमें डाल देंगे मसाला ये सब, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे मसाले को। ये देखिए वीवर्स, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। घी छोड़ दिया हुआ है मसाले में, अच्छी तरह से इसको आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि आपकी सब्ज़ी बड़ी टेस्टी और मज़े की बने। मसाले को अच्छी तरह से आपने भूनना है, और इसमें फिर आपने ये सब्ज़ी शामिल कर देनी है। मसाले में हमने सब्ज़ी को मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम शामिल करेंगे एक कप पानी, और इसको हम डाम देंगे। और फिर वीवर्स, इसको हम चेक भी करते रहेंगे, और जब ये तैयार होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वीवर्स, ये देखें कितनी मज़े की हमारी हांडी तैयार हुई है, ओढ़ी है घिया तोड़ी, उसको हम साथ साथ चेक भी करते जाएंगे। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसके कलर देखें, इसके मसाले का कलर देखें, कितना प्यारा और कितना मज़े का है। ये बड़ी मज़े की सब्ज़ी बनेगी। वीवर्स, ये देखें सालन हमारा हो गया तैयार, घिया तोड़ी देखें कितनी मज़े की लग रही है और बड़ी टेस्टी होगी इंशाल्लाह। और ये देखें हमारी रोटियां घर की सादी, और इनके साथ हम खाएंगे। और वीवर्स, और बहुत सारी दुआओं के साथ अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां दे, दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फ़रमाए, दुनिया में भलाई दे, आखिरत में भलाई दे, और आपके हिसाब से बचाए। और ये आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूँगी। और चलते चलते मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी बताइएगा। और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर है, अल्लाह ताला हमें हसदीन के हसद से नज़र बस से बचाए, आपको भी और मुझे भी, और तरक्कियाँ अता फरमाए अल्लाह ताला। और वीवर्स, अब इसी के साथ सैमा किचन से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और अल्लाह हम सबका निगहबान है। अल्लाह हाफिज़ वीवर्स।